सारी प्रॉब्लम जो आपके फेस को डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है, एक तो आपका स्ट्रेस वो आपके स्किन पे दिखता है, साथ ही आपका डाइट कैसा है, उसके अलावा आपका यू नो आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में जा रहे हैं, हार्मफुल सन रेज, ये सारी चीजें आपके स्किन को अफेक्ट करती हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन सीक्रेट लॉजिक, और मैं हूं अनुपमा। तो आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूं फेस सीरम के बारे में। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर करूंगी आपके। व्हाट इज फेस सीरम, व्हाई वी शुड अप्लाई दिस फेस सीरम ऑन अवर फेस, एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फेस सीरम, और इसे कब अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि व्हाट इज फेस सीरम। तो फेस सीरम एक बहुत ही कंसिस्टेंसी वाला एक लिक्विड होता है जिसको कि आपको अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। तो जैसा कि बेसिकली मैं बात करूं तो हम सब की स्किन जो है वो रोम छिद्रों से मिलकर के बनी है, और हम सब के ओपन पोर्स होते हैं। तो जब भी हम फेस को क्लीन करते हैं फेस वॉश से, तो उसके बाद आप ध्यान से देखना, आपके ओपन पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो जब पोर्स ओपन रहते हैं और उस समय आपने स्किन का केयर नहीं किया सही से, तो फिर आपको बाद में एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपके पोर्स ओपन होते हैं तभी आपको मतलब उस पर एक लेयर लगानी होती है जो आपके अंदर से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि सीरम की कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होता है ये। तो ये स्किन के अंदर तक चला जाता है, यानी कि आपकी पोर्स के अंदर तक ये जाकर के स्किन को, जो साइंस ऑफ एजिंग है, स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन में बहुत है ना फ्लैकीनेस, क्रैकीनेस, ड्राईनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको ये हटाने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब मैं बात करूं तो सीरम में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके फेस के अंदर तक जाके आपके स्किन के अंदर तक जो वो पेनिट्रेट हो जाते हैं और आपकी स्किन को जो है वो गुडनेस क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी स्किन को बाहर से तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है ही, अंदर से भी आपको अपनी स्किन को नरिशमेंट की जरूरत होती है, जो कि आप सीरम की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज करना होता है फेस वॉश ताकि आपका फेस क्लीन हो जाए, और क्लीन फेस के बाद भी कई बार जो है कुछ एक्सट्रैक्ट आपके फेस पे रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको टोनर की हेल्प से अपने फेस को एक बार अगेन जो है वाइप आउट करना चाहिए, उसके बाद आप अपने फेस पे सीरम अप्लाई करें, क्योंकि सीरम अप्लाई करने से आपके जो ये ओपन पोर्स है ना उसके अंदर तक सीरम जाकर के स्किन को अंदरूनी तरीके से वो सारी गुडनेस प्रोवाइड करता है। यू नो, हम बाहर से अपने स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कर ले, लेकिन अगर अंदर से हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सीरम अप्लाई करना, और सीरम आपके स्किन की भीतरी सतह तक जाकर के आपके स्किन को जो है नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और ऊपर से फिर हमें मॉइस्चराइजर लगाना होता है ऊपरी लेयर को ड्राइनेस से बचाने के लिए, और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है, जैसे कि अगर आप धूप में जा रहे हैं। तो अब मैं बताऊं कि सीरम किस किस टाइप के होते हैं। तो सीरम देखिए, एक होते हैं व्हाइटनिंग सीरम और दूसरा होता है एंटी एजिंग सीरम। तो जो साइंस ऑफ एजिंग होता है ना, आजकल 25 की एज में ही आपके फेस पे जो है रिंकल्स या यू नो फाइन लाइंस वगैरह विजिबल होने लगती हैं, तो इसके लिए आपको एंटी एजिंग सीरम जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप अपना स्किन टोन थोड़ा लाइट करना चाहते हैं तो आपको व्हाइटनिंग सीरम यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे जो है प्रोडक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स से ही मिलकर के बना होता है जो आपके कोलेजन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही आपकी जो मेलानिन की संख्या जब बढ़ जाती है आपके पोर्स में तो वो आपके स्किन को डार्क दिखाता है, और जब वही मेलानिन की संख्या कम हो जाती है तो आपका स्किन लाइट दिखने लगता है। तो जो व्हाइटनिंग सीरम होते हैं उसमें ऐसे ही कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो आपकी मेलानिन को कम करने में काफी इफेक्टिव होते हैं। और जो एंटी एजिंग सीरम होते हैं इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी एजिंग को रोकने में काफी इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, तो जैसे कि राइस ब्रैन एक्सट्रैक्ट है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, और आर्गन ऑयल है, इसके अलावा है आपका वीट जर्म ऑयल, ब्रोकली सीड एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा स्पिनच। यस, स्पिनच भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसा कि हम इसको कंज्यूम करते हैं अपनी अंदरूनी पोषण के लिए, उसी तरह स्किन के भीतरी लेयर में जाकर के ये स्किन की भीतरी सतह को काफी अच्छे से ये नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारे स्किन पे एजिंग जो प्रॉब्लम होती है, एजिंग की ड्राइनेस, फ्लिकीनेस, एक्ने, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती है। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है एंटी एजिंग सीरम का या व्हाइटनिंग सीरम का, किसी भी सीरम का सबसे मेन और एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है कि हमारे स्किन को, क्योंकि एलोवेरा जेल की भी कंसिस्टेंसी आपने देखी होगी, बहुत ही ज्यादा पतली होती, बहुत ही ज्यादा थिन होती है,
फिर हमारी स्किन की भीतरी सतह तक अंदर से चला जाता है। अब आप मार्केट में सिरम खरीदने जाइए तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। आई थिंक 500 से तो स्टार्टिंग रेंज है इसकी। अगर मैं कुछ बजट सिरम की बात करूँ तो आप गुड वाइब्स का जो है रोज हिप सिरम थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, काफी इफेक्टिव और अच्छा है, आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 प्लस है तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एंटी एजिंग सिरम जरूर यूज किया करिए। तो चलिए अब मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को वाइप आउट कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। मैंने भी अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, फेस को वॉश किया हुआ है। तो मैं एक बार अच्छे तरीके से वाइप आउट कर लूंगी फेस को। इसके बाद मैं लूंगी रोज वाटर। आप जो है किसी भी ब्रांड का जो है सिरम यूज कर सकते हैं, बट आप उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक कर लीजिए। आपको किस टाइप का सिरम चाहिए ये जरूर चेक कर लीजिए। तो सिरम की कंसिस्टेंसी आपको कितनी लेनी चाहिए, आप इस तरीके से देखिए, सिर्फ एक पंप दैट इज इनफ फॉर योर स्किन। और सिरम बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप मेकअप वगैरह करती हैं तो भी सिरम आपके स्किन को जो केमिकल आप अप्लाई करती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए सिरम अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए मैंने बस इतनी कंसिस्टेंसी ली है बहुत ही कम अमाउंट में, और इसको डॉट डॉट करके मैं और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सफल बना देता है इंस्टेंटली। सिरम बहुत ही इफेक्टिव होता है गाइस, तो आप सबको जरूर से जरूर यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये था मेरा वीडियो आज का, और मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो भी मुझे आपको बताना था। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर।